नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। महाराष्ट्र के पशुपालन, डेयरी विकास, खेल और युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ने कहा कि रामटेक क्षेत्र में जिला परिषद उपचुनाव के प्रचार दौरे में आह्वान किया कि जनता जनार्दन ने जिस प्रकार जनवरी 2020 में कांग्रेस का साथ देकर उसे सत्ता सौंपी थी, उसी प्रकार इस उपचुनाव में भी कांग्रेस उम्मीदवारों को विजय दिलाए। केदार ने रामटेक तहसील के बोतिया, पालोरा, देवलापार सर्कल के नवेगांव, मूसेवाड़ी, सालई, हिवरा बाजार, सौंदनी, देवलापार, कट्टा, बोतिया, पालोरा, पटगोरी, मंसर और नगरधन गांव में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान उक्त अपील की। केदार ने कहा कि जनवरी 2020 में जिला परिषद के चुनाव हुए और फरवरी में पदाधिकारियों का चयन हुआ, किंतु मार्च में कोरोना का प्रादुर्भाव हुआ और पूरी दुनिया लगभग थम सी गई थी। ऐसे दौरे में जिला परिषद के सदस्यों ने जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए कड़ी मेहनत की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में कुछ सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी। कांग्रेस पार्टी ने भी कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और ओबीसी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। महमुदा शिक्षण महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था के तत्वावधान में सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ग्रीन एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता गिरीश गांधी, डीसीपी नूरुल हसन, अतुल कोटेचा मुख्य अतिथि थे। उन्होंने औषधीय उद्यान में पेड़ भी लगाए। इस अवसर पर बोलते हुए गिरीश गांधी ने छात्रों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उसके बाद उनके वृक्षारोपण को देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया। डीसीपी नूरुल हसन ने कहा कि हर दिन को वन महोत्सव के रूप में मनाना जाना चाहिए और पर्यावरण को हरा, स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए पौधे उगाए जाने चाहिए। अतुल कोटेचा ने छात्रों से हरियाली को बढ़ावा देने का संकल्प लेने को कहा। वृक्षारोपण करने वाले अन्य लोगों में सेंट्रल इंडिया ग्रुप समूह के विभिन्न संस्थानों के प्रधानाचार्य और एचओडी शामिल थे। इस मौके पर डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा कि सितंबर के इस महीने में हमारे कॉलेज की योजना है कि पौधारोपण कर परिसर को सुंदर बनाया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि कॉलेज के छात्रों को पौधारोपण और जागरूक कार्यक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए, जो नागरिकों को पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के प्रमुख कारक है। पितृपक्ष पर परम पूज्य खरतर गच्छ आचार्य दीर्घ तपस्वी सरलमना पूर्णानंद सागर सुरेश्वर जी मसा से समाज सेवी मनोज अग्रवाल, विनोद कोचर व अशोक सावरकर के अगुवाई में पूर्व नागपुर देशपांडे लेआउट पूर्व वर्धमान नगर जनों ने भेंट कर आशीर्वाद लिया। परम पूज्य पूर्णानंद सागर सुरेश्वर जी महाराज ने बताया कि जो मानव जीवन मिला है उसका सदुपयोग करना चाहिए, गृहस्थ जीवन से समय बचाकर ईश्वर नाम स्मरण करना चाहिए और समाज के कल्याण के कार्य करते रहना चाहिए। जो मनुष्य आया है उसे एक दिन जाना है और साथ में प्रभु नाम स्मरण और समाज कार्य की सेवा आपके साथ जाएगी। धन दौलत ऐशो आराम आपके साथ नहीं जाएगा, सब यही रह जाएगा, इसलिए धर्म पूजा व सामाजिक कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। अंत में उन्होंने उपस्थित सभी को मंगल पाठ सुनाकर आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर धीरज लोया, रवि भोजने, वेद प्रकाश सोनी, उमेश वाघमारे, अशोक खाड़ा, राकेश आगरे, सुनील गोयल, सुनील अग्रवाल, दिनेश गोयल, शशांक अग्रवाल आदि सभी ने आचार्य श्री को वंदन किया। हाल ही में कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम ने कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु में पहले 20 सीएनजी स्टेशनों की आधारशिला रखी। ये समारोह रमन चड्डा, सीईओ गेल गैस, विवेक वाठोड़कर मुख्य महाप्रबंधक सीजीडी बेंगलुरु और विमल परवाल अध्यक्ष कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम की उपस्थिति में आयोजित किया गया। 25 मार्च को कॉन्फिडेंस को सीजीडी अवार्डी गेल गैस द्वारा बेंगलुरु शहर में 100 सीएनजी स्टेशन स्थापित करने और संचालित करने के लिए नामित किया गया था। इस अवसर पर बोलते हुए रमन चड्डा ने उल्लेख किया कि स्टेशन सीएनजी नेटवर्क का दायरा बड़ा करने में मदद करेंगे। उन्होंने कोविड-19 की विनाशकारी दूसरी लहर की चुनौतियों के बावजूद तेजी से निष्पादन पर कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम के प्रयासों की सराहना की।
कॉन्फिडेंस ग्रुप गैस आधारित अर्थव्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है। भविष्य में 10,000 CNG पंप आएंगे। जैसा कि हम CNG क्रांति के बारे में जानते हैं, जिसने दिल्ली, मुंबई और भारत के कई शहरों को बदल दिया है। इन शहरों के प्रदूषण के मुद्दों से निपटने के लिए हरित ईंधन एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा है। कॉन्फिडेंस ग्रुप स्वच्छ बैंगलोर, ग्रीन बेंगलुरु बनाने और इस सुपर सिटी की सुंदरता में योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वच्छता पखवाड़ा तहत के गुरुवार को मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल के नेतृत्व में स्वच्छ आवास परिसर थीम पर सभी रेलवे कॉलोनियों में नामित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा गहन स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर किया गया। सभी रेलवे कॉलोनियों में विशेष अभियान चलाकर आवश्यकता अनुसार घासों की कटाई छटाई तथा डस्टबिनों में एकत्रित कचरे का निष्पादन किया गया। घर घर जाकर कॉलोनी वासियों को कचरे को डस्टबिन में डालने और अपने घर के आसपास स्वच्छता बनाए रखने का आग्रह किया गया। सभी स्टेशनों की रेलवे कॉलोनी में विशेष अभियान के तहत रेलवे कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई का कार्य किया गया एवं रेलवे कॉलोनियों में नामित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पोस्टर नाटक के माध्यम से स्वच्छ जागरूकता अभियान चलाया गया। आज स्टेशन, डिपो, कार्यालय में स्वच्छता को अमल में लाए जा रहे तरीके एवं व्यवहार तथा उनमें सुधार पर एक वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। ख्वादे अदब मल्टीपर्पज सोसाइटी फारूक नगर टेका नागपुर के तत्वावधान में स्थानीय मुख्तार मदीना सेठ के प्रांगण फारूक नगर टेका नागपुर में हाल ही में मशहूर शायर मरहूम नजीर जामीन की याद में एक अजीमुशान मुशायरा जनाब खलील सादिक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मध्य नागपुर संजय गांधी निराधार योजना के नव निर्वाचित अध्यक्ष नगर सेवक जुल्फिकार अहमद भुट्टो का नागरिक सत्कार भी किया गया। इस मुशायरे और सत्कार समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में प्रख्यात शायर और अनाउंसर ख्वाजा गुलाम सैयदुद्दीन, रिटायर्ड डायरेक्टर पूर्वतल विभाग डॉक्टर नदीम खान, रिटायर्ड डायरेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट, नगर सेवक इब्राहिम टेलर, हाजी सलाउद्दीन, शहाबुद्दीन, मंसूर अख्तर अंसारी, सचिव नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी आदि उपस्थित थे। इस मुशायरे का संचालन शाहनवाज खान वसीम जमाली ने किया। इस मुशायरे में कलीम नागपुरी, मुश्ताक एहसान, डॉक्टर नदीमुर रहमान, इश्तियाक कामिल, आबिद हुसैन आबिद, राहत अली राहत, ख्वाजा साजिद, अजहर हुसैन अजहर, नहीम अंसारी, वहीद हैरा, रियाजुद्दीन कामिल, अबू बकर अकबर, बहरुद्दीन रहबर, इमरान फैज ने अपनी रचनाओं और शायरी से उपस्थित श्रोताओं का मन मोह लिया। डॉक्टर ख्वाजा गुलाम सैयदुद्दीन रब्बानी ने शायर नजीर जामीन के जीवन पर प्रकाश डाला। तहसील पुलिस थाना अंतर्गत एक दुकान में काम करने वाले दो कर्मचारियों ने ही मालिक का विश्वास हासिल कर उसे करीब 22,50,000 रुपए का चूना लगा दिया। मालिक ने जब पिछले 3 साल के माल का हिसाब किताब किया तब इस धोखाधड़ी की बात का पता चला और इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी कमलेश दयाल दास रावलानी कृतिका अपार्टमेंट जरीपटका निवासी की तहसील परिसर के पंजवानी मार्केट की बेसमेंट में 3 नाल चौक इतवारी में हिंदुस्तान गवर्नमेंट नाम से फर्म है। यह फर्म 2006 से काम कर रही है। आरोपी मनोज प्रकाश देवघरे लालगंज निवासी व आशीष उर्फ नागेश पराते लालगंज निवासी फरियादी की दुकान में काम करते थे। फरियादी की फर्म द्वारा 10 अगस्त 2019 को रजवाड़ा पैलेस गांधी सागर तालाब के पास एक गारमेंट फेयर का आयोजन किया था और इसकी पूरी जिम्मेदारी दोनों आरोपियों को सौंपी गयी थी। फरियादी ने जब 2018-19 से लेकर 2020-21 के 3 सालों का पूरा हिसाब किताब चेक किया तब फरियादी को पता चला कि आरोपियों ने करीब 22,50,000 रुपए के कीमत की लेडीज गारमेंट के माल में घपला किया है। तहसील पुलिस मामले की जांच कर रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेल नागपुर मंडल के तहत रेलवे सुरक्षा बल में तैनात आरक्षक ईशांत नंदकिशोर दीक्षित ने रिजर्वेशन काउंटर में मिले लावारिस पर्स को उसके मालिक तक पहुंचा दिया। पर्स में 7,800 रुपए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार RPF की कामटी चौकी प्रभारी ASI मोहम्मद मुगिसुद्दीन ने ईशांत की ड्यूटी स्टेशन के आरक्षण केंद्र में लगाई थी। इस दौरान ईशांत को एक हरे रंग का पर्स फर्श पर मिला। आसपास के लोगों से पूछने पर सभी अपना बताने से इनकार कर रहे थे। पर्स में देखने पर उसमें 7,800 रुपए नकद और दवाई एक पर्ची मिली। इस पर्ची पर एक महिला का नाम
और मोबाइल नंबर भी था। उक्त नंबर पर कॉल करने पर महिला ने बताया कि उक्त पर्स उनके पति फ्रांसिस जॉन का है। कुछ देर बाद ही फ्रांसिस कामठी चौकी पहुंचे और देखा कि पर्स में 7,800 रुपए सही सलामत थे। उचित पहचान व कागजी कार्यवाही के बाद पर्स फ्रांसिस को लौटा दिया गया। आरपीएफ की इस सक्रियता पर फ्रांसिस ने लिखित रूप से प्रशंसा की। उक्त कार्रवाई मंडल सुरक्षा आयुक्त पंकज चूक के मार्गदर्शन में की गई। आरपीएफ जवान की इस ईमानदारी की सभी तरफ सराहना हो रही है। रेलवे सुरक्षा बल नागपुर द्वारा ट्रेनों में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जारी अभियान के तहत दिल्ली हैदराबाद तेलंगाना एक्सप्रेस में विदेशी शराब का जखीरा बरामद किया गया। ट्रेन में 6 लावारिस बैग मिले जिनमें 105 बोतल विदेशी शराब थी। इनकी कीमत 1,07,000 रुपए आकी गई। बैग ले जा रहे युवक को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी मंचेरियल आंध्र प्रदेश निवासी श्रीनिवास एन बताया गया। जानकारी के अनुसार आरपीएफ को गुप्त सूचना मिली कि उक्त ट्रेन के स्लीपर कोच में कुछ लावारिस बैग रखे हुए हैं। जानकारी मिलते ही पीआई आरएल मीना के नेतृत्व में एएसआई रामनिवास यादव, मुनेश गौतम, जसवीर सिंह, राजेश कटपलवार, विवेक कनौजिया, मणिशंकर की टीम बनाई गई। ट्रेन के प्लेटफॉर्म 2 पर आते ही शुरू की गई चेकिंग में AC-8 कोच में 6 संदिग्ध बैग मिले जो श्रीनिवास की सीट के पास थे। पूछताछ करने पर उसने बैग अपने बताए। बैग खोलकर देखने पर उसमें हरियाणा निर्मित 105 बोतल विदेशी शराब मिली। बाजार में इनकी कुल कीमत 1,07,000 रुपए पाई गई। सारा माल जब्त कर श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की कार्रवाई के लिए मामला एक्साइज विभाग को सौंप दिया गया है। कार बुक कर जबलपुर के लिए निकले एक आरोपी ने अपने एक अन्य साथी की मदद से कार के चालक को जबलपुर के पहले एक ढाबे पर बेहोशी की दवा पिलाकर कार समेत करीब 5,60,000 रुपयों का माल चुरा लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के जबलपुर गोरखपुर रानीताल निवासी आरोपी जुल्फिकार हबीब सैफी और 30 से 35 आयु वर्ग के एक अज्ञात व्यक्ति ने जबलपुर जाने के लिए अजनी निवासी फरियादी अमर रमेश ठाकुर की 13 जुलाई 2021 के दरमियान कार बुक की। कार चालक को कार लेकर गणेशपेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत SBI बैंक के सामने गीतांजलि चौक CA रोड पर बुलाया। यहां से कार पर सवार होकर जबलपुर के लिए निकले। जबलपुर पहुंचने के पहले नाश्ता करने के बहाने से प्रभुराज सर्विस सेंटर ढाबा में गाड़ी रोकने के लिए कहा। गाड़ी रोकने के बाद उन्होंने वहां नाश्ता किया। इस दौरान आरोपी जुल्फिकार ने कार के चालक रमेश ठाकुर को शीत पेय में धोखे से नशे की दवा पिला दिया। शीत पेय पीने के बाद कार का चालक बेहोश हो गया, जिसके बाद आरोपियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। होश आने के बाद फरियादी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और इस केस की जाँच जारी है। वर्ष 2004 से सरकार के निर्देशानुसार नागपुर मनपा की ओर से शहर में हत्ती रोग निर्मूलन के लिए सार्वत्रिक दवा अभियान क्रियान्वित किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से शहर में मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से 27 से 30 सितंबर 2021 के बीच हाथी पाव संक्रमण का सर्वे कर यह पता लगाया जाएगा कि इस रोग की तीव्रता में कितनी कमी हुई है। इस कारण स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष महेश महाजन ने निर्देश दिए कि सर्वेक्षण 4 दिनों में पूरा किया जाना है और यह कार्य स्थानीय नगर सेवकों की मदद से पूरा करे। हत्ती रोग संक्रमण सत्यापन सर्वेक्षण की तैयारी के संबंध में टास्क फोर्स की बैठक गुरुवार को डॉक्टर पंजाब राव देशमुख मेमोरियल स्टैंडिंग कमेटी हॉल का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष महेश महाजन, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र बहिरवार, मलेरिया एवं हाथी रोग अधिकारी दीपाली नासरे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के जोनल समन्वयक डॉक्टर भाग्यश्री त्रिवेदी सहित समस्त जोनल चिकित्सा अधिकारी गण उपस्थित थे। डॉक्टर संजय चीलकर ने कहा कि 6 से 7 वर्ष के आयु वर्ग के लड़के और लड़कियों के सर्वेक्षण के लिए नमूने लिए जाना है, इसलिए माता पिता द्वारा उचित परामर्श देना आवश्यक है। खापरखेड़ा उपविभाग अंतर्गत दहेगांव रंगारी निवासी दिनेश माथुरे व शारदा माथुरे नेत्रहीन दंपत्ति है। दोनों नेत्रों की रोशनी से विहीन यह दंपत्ति अपनी मां के साथ ईटन गोटी में रहते हैं। इन दोनों नेत्रहीन दंपत्ति को बिजली कनेक्शन की सख्त जरूरत थी। उन्हें कार्यालय जाने या ऑनलाइन आवेदन भरने में भी परेशानी हो रही थी। इसी दौरान दहेगांव रंगारी में ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में नेत्रहीन शारदा माथुरे की समस्या उप कार्यकारी अभियंता मंगेश कहाले के खापरखेड़ा उप विभाग कार्यालय में पहुंची। उनके निर्देशानुसार शारदा माथुरे को 24 घंटे के अंदर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। इस कार्य हेतु कनिष्ठ अभियंता केतन धोटे, जनमित्र रमेश ठाकरे
मोरे और प्रहलाद मनगटे ने तत्काल कार्रवाई कर कनेक्शन उपलब्ध कराया। खास बात यह है कि इस ग्राहक के बिजली कनेक्शन का भुगतान महावितरण कर्मचारियों ने वहन किया। इसी प्रकार एक और दृष्टिहीन ग्राहक सूरज रंधाई के घर बिजली कनेक्शन देने के लिए पाटन सावंगी शहर वितरण केंद्र में कार्यरत जूनियर इंजीनियर आशीष चेटुले और विद्युत सहायक रितेश ठाकरे ने रंधाई का आवेदन मिलते ही सहानुभूति पूर्वक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जीवन प्रकाश योजना के तहत 24 घंटे के भीतर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विश्वविद्यालय भवन से ओल्ड मॉरिस कॉलेज के पास 0 माइल फ्रीडम पार्क तक बनी सड़क का लोकार्पण गुरुवार को मेयर दयाशंकर तिवारी, कुलगुरु सुभाष चौधरी और मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर उपमहापौर मनीषा धावड़े, स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रकाश भोयर, सत्तारूढ़ दल के नेता अविनाश ठाकरे, सिविल इंजीनियरिंग एसोसिएशन के राहुल गायकी आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विश्वविद्यालय भवन से ओल्ड मॉरिस कॉलेज के पास 0 माइल फ्रीडम पार्क तक सड़क के पूर्ण होने के बावजूद बिटुमेन कारपेट कोट का कार्य अधूरा होने के चलते इस मार्ग का लोकार्पण लंबित था। मेट्रो के 0 माइल स्टेशन के अंतर्गत इस मार्ग से नागरिकों के लिए एक बड़ी सुविधा होगी और मुख्य मार्ग पर यातायात भार को कम होगा। नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस सड़क को तत्काल लोकार्पित किया गया है। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विश्वविद्यालय भवन से ओल्ड मॉरिस कॉलेज के पास स्थित 0 माइल फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन तक 18 मीटर चौड़ी सड़क की कुल लंबाई मेट्रो स्टेशन के तहत 64 मीटर सड़क को छोड़कर 615 मीटर है। नागपुर महानगर पालिका के सिविल लाइन्स मुख्यालय में महापौर कार्यालय में स्थित कक्ष में छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए परामर्श केंद्र शुरू किया गया है। यहां से 10वीं 12वीं के बाद क्या क्या जा सकता है, यह जानने के लिए छात्रों व युवाओं से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इस केंद्र में नीट, जेईई, सीआईटी, जेईई एडवांस और एमएचसीआईटी के छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया और इसकी प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। 11वीं कक्षा के जिन छात्रों को कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला उनकी काउंसलिंग के साथ साथ बीए, बीकॉम, बीएससी तथा अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रदान की जा रही है। महापौर दयाशंकर तिवारी की अवधारणा से और पहल के साथ छात्र परामर्श केंद्र शुरू किया गया है। इस केंद्र में काउंसलर उमेश कोठारी छात्रों की काउंसलिंग कर रहे हैं। कोठारी ने कहा, मनपा द्वारा छात्रों के लिए ये सबसे अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई गई है और बड़ी संख्या में छात्र इस केंद्र का लाभ उठा रहे हैं। यह उनके लिए भविष्य में बहुत फायदेमंद होगा। कई परिवार ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित है, ऐसे परिवारों को इन समुपदेशन सेवाओं से लाभ होगा। स्वच्छता पखवाड़ा ने गति पकड़ ली। मध्य रेल ने 8वें दिन स्वच्छ परिसर व कार्यस्थल की थीम पर गतिविधियों को आगे बढ़ाया। स्टेशन के अंदर और आसपास के सभी रेलवे कार्यालय, कार्यशालाओं और डिपो सहित एक गहन सफाई कार्यक्रम में लगे हुए हैं। मुख्य कार्य उनकी अवांछित फाइलों और कागजात को साफ करना और उनके निपटान के लिए रास्ता बनाना है। नागपुर मंडल पर मुख्य आकर्षण नागपुर रेलवे कार्यालयों में स्वच्छता किट का वितरण रहा। सफाई गतिविधियों में कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ सभी रेलवे कार्यालय नागपुर में गहन सफाई की गई। बैतूल, वर्धा और सेवाग्राम के स्टेशन मास्टरों ने अपने कर्मचारियों के साथ स्टेशन के बाहरी क्षेत्रों की सफाई की और आसपास के इलाकों को साफ करने के लिए अवांछित घास फूस आदि को साफ किया। महाराष्ट्र राज्य किसान सभा के अरुण वनकर, जय जवान जय किसान संगठन के किशोर चोपड़े, भारतीय किसान परिषद के योगेश ठाकरे और भारतीय किसान फाउंडेशन के यशवंत तेलंग ने आगामी 27 सितंबर को भारत बंद की अपील यह एक पत्रकार वार्ता में की है। उन्होंने बताया कि किसानों के आंदोलन के समर्थनार्थ पूरे देश के नागरिकों को एकजुट करने के लिए भारतीय किसान फाउंडेशन, भारतीय किसान परिषद एवं महाराष्ट्र राज्य किसान सभा की ओर से भारत बंद की अपील की गई है। यह बंद सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक रखने की अपील अरुण वनकर, किशोर चोपड़े, योगेश ठाकरे और भारतीय किसान फाउंडेशन के यशवंत तेलंग ने की है। समस्त जैन समाज की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था श्री जैन सेवा मंडल के तत्वावधान में जैन समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शिक्षक
एवं 10वीं व 12वीं के गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थियों का सत्कार इतवारी स्थित इंद्र भवन में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में महापौर दयाशंकर तिवारी, विधायक गिरीश व्यास, विकास कुंभारे, श्री जैन सेवा मंडल के अध्यक्ष दिलीप गांधी, महिला मंडल अध्यक्षा संयोजिका श्रीमती रजनी हेमंत जैन, पार्षद कुमारी वंदना यंगटवार की प्रमुख उपस्थिति में महापौर एवं अतिथियों के हस्ते दीप प्रज्वलित कर महिला मंडल ने मधुर कंठ से मंगलाचरण गाकर विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभी अतिथियों का स्वागत मंडल के अध्यक्ष दिलीप गांधी एवं महिला अध्यक्षा श्रीमती रजनी जैन ने सम्मान चिन्ह, शॉल, श्रीफल, धर्म दुपट्टा देकर सम्मान किया। इस अवसर पर समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शिक्षकों का सत्कार एवं समाज में गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थियों का सत्कार मुख्य अतिथि एवं समाज के वरिष्ठ श्रावक के हस्ते शिक्षक सर्वश्री नरेंद्र भुसारी, प्रशांत पांडवकर, आदेश जैन बरैया, ऋषभ आगरकर, श्रीमती शुभांगी पोहरे एवं डॉक्टर रश्मि जैन को स्मृति चिन्ह, धर्म दुपट्टा एवं श्रीफल देकर सम्मानित करके गौरवान्वित किया गया। कार्यक्रम का प्रस्ताविक कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर दीपक शेंडेकर ने रखी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल में 14 से 21 सितंबर तक राजभाषा सप्ताह 2021 हर्षोल्लास से मनाया गया। राजभाषा सप्ताह समारोह के दौरान राजभाषा विभाग द्वारा अधिकारियों के लिए शुद्ध हिंदी लेखन प्रतियोगिता तथा कर्मचारियों के लिए हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता, हिंदी निबंध प्रतियोगिता तथा हिंदी वाक प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में रेल कर्मियों ने पूरे उत्साह से भाग लिया। साथ ही अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अलग अलग हिंदी कार्यशालाओं का ऑनलाइन आयोजन भी किया गया तथा उनके दैनिक कार्यों में आ रही कठिनाइयों का निवारण किया गया। विभिन्न प्रतियोगिता संपन्न होने के पश्चात 21 सितंबर को राजभाषा सप्ताह 2021 के समापन समारोह के अवसर पर प्रथम सत्र में मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल के द्वारा विजेता अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया तथा उन्होंने मंडल रेल प्रबंधक द्वारा बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी गई। साथ ही उनका उत्साहवर्धन किया गया तथा उन्हें परामर्श दिया गया कि वे आगे भी हिंदी प्रतियोगिताओं में ऐसे ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। राजभाषा सप्ताह 2021 के दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के कुल 12 स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा बड़े जोश के साथ हिंदी दिवस 2021 को मनाया गया। रक्तदान को प्रोत्साहन देने हेतु विविध सामाजिक संस्थाओं द्वारा तरह तरह के प्रयास किए जाते रहे हैं। इसी श्रृंखला में सेवाभावी संस्था देवता लाइफ फाउंडेशन द्वारा वंदे मातरम रक्तदान महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन प्रथम रक्तदाता समाजसेवी नरेंद्र सतीजा के रक्तदान से हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक रविंद्र भुसारी, फाउंडेशन के अध्यक्ष किशोर बावने, सचिव सुधीर बाहेती, नीलिमा बावने, विवेक जुगादे, कस्तूरी बावने, अरुणा पुरोहित, डॉक्टर रवि गिरहे, सारिका पेंट से, अशोक पत्की आदि की उपस्थिति रही। इसी तरह 1 और 2 अक्टूबर को नागपुर के अलावा महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में रक्तदान शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विशेष रूप से 2 अक्टूबर को राज्यव्यापी रक्तदान जागरूकता रैली नागपुर से प्रस्थान करेगी। यह कार रैली महाराष्ट्र के 36 जिलों का दौरा कर 15 अक्टूबर को वापस आएगी। इसमें जगह जगह रक्तदान शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सतीजा ने बताया कि 1998 में हमने नागपुर मेट्रो टूरिस्ट क्लब के माध्यम से दुपहिया वाहनों की रक्तदान संदेश यात्रा का राज्यव्यापी आयोजन विभूति कश्यप के नेतृत्व में किया था। रक्त के जबरदस्त अभाव के चलते देवता लाइफ फाउंडेशन के वंदे मातरम रक्तदान महायज्ञ का आयोजन सराहनीय है। डेंगू की रोकथाम के उपायों के तहत मनपा द्वारा शहर में जोनल सर्वे किया जा रहा है। गुरुवार को 3,979 घरों का सर्वे किया जा चुका है। डेंगू रोकथाम अभियान के तहत निगम की स्वास्थ्य टीम द्वारा डेंगू पीड़ितों के आवास के आसपास के क्षेत्र में सर्वे कर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जोन पथक द्वारा किए सर्वेक्षण 86 घरों में डेंगू के लार्वा पाए गए। इसके अतिरिक्त 24 बुखार के मरीज मिले। 128 लोगों के रक्तदान के नमूने लिए गए हैं। सर्वेक्षण के दौरान 187 घरों में लगे कूलर का निरीक्षण किया। इसमें 14 कूलरों में मच्छर पाए गए। निगम की टीम द्वारा 14 कूलर खाली कर दिए गए। कूलर में 1% टैमिफॉस घोल तथा 45 कूलरों में 2% डिफ्लुबेंजुरम टैबलेट इंजेक्ट किए गए। साथ ही 21 कूलर में गप्पी मछली छोड़ी गई।
तो नागपुर हलचल में आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।